नमस्ते बच्चों, आप सब ने व्यंजन के पहला 10 अक्षर को सीख लिया क से ज्ञ तक। अभी हम क से ज्ञ तक का रिवाइज करेंगे। चलो जल्दी अपना टिमटिम बुक लेके आओ और उसके साथ कलर भी। सबसे पहले पेज कौन सा खोलना आपको? 7 नंबर पेज 7। आपको सबसे पहले ट्रेस करना है कलर से, अदरवाइज कलर करना है। इधर से आधा गोल, खड़ी रेखा और एक आधा गोल, ऊपर एक छत, ये बन गया क। क से कबूतर, क से कप, क से कलश, क से कबूतर, क से कप, क से कलश। उसके बाद आप खोलो 8th वाला पेज। ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूजा। सबसे पहले आप लिखेंगे एक आधा गोल, उसे घुमा के नीचे की तरफ पूंछ खींचना है, और उसके बाद एक आधा गोल और एक खड़ी रेखा, ऊपर एक छत, ये बन गया ख। बच्चे आप लोग सब इसके अंदर कलर करो, मैंने ट्रेस किया है, समझ में आ गया ना? ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूजा। नेक्स्ट ग, ये कौन सी अक्षर है? घ। घ से गमला, घ से गधा, घ से गर्दन, गर्दन मतलब नेक। एक खड़ी रेखा और ऊपर की तरफ अंदर उसको घुमाना है, एक छोटी सी सर्कल, और उसके बाद एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा, ये बन गया ग। ग से गमला, ग से गधा, ग से गर्दन। उसके बाद घ, घ से घड़ियाल, घ से घड़ियाल, घ से घर, घ से घट, घड़ा घट। सबसे पहले आधा गोल, उसे जोड़कर और एक आधा गोल, खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा, ये बन गया घ। घ से घड़ियाल, घ से घर, घ से घड़ा। अंग, ये कौन से अक्षर? अंग, एक छोटी सी खड़ी रेखा, आधा गोल उसे जोड़कर और एक आधा गोल, और उसके बाद एक छत, और इधर एक बिंदु, ये बन गया अंग। अंग, अंग से कोई शब्द नहीं बनता है। अभी हम एक बार ट्रेस करेंगे। ख, ख, बोलते बोलते लिखना है। ग, घ, ग के बाद घ, और उसके बाद अंग। अभी हम नेक्स्ट छ, छ से चम्मच। छ पहले आड़ी रेखा और एक आधा गोल, खड़ी रेखा और एक छत, ये बन गया ऊपर एक छत, ये बन गया छ। छ से चम्मच, छ से चटाई, छ से चरण। उसके बाद छ, छ, छ से छतरी, आधा गोल उसे जोड़कर और एक आधा गोल को थोड़ा ऊपर की तरफ आके घुमाना है, और एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा, ये बन गया छ। छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छत, छ से छत। उसके बाद नेक्स्ट लेटर ज,
एक आधा गोल, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, ऊपर एक छत, ये बन गया ज। ज से जग, ज से जल, ज से जहाज, जहाज मीन्स हवाई जहाज। नेक्स्ट झ, झ से झरना, वाटरफॉल। कैसे लिखना है? सबसे पहले आप ई लिखना है, उसके बाद एक आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, ऊपर एक छत, ये बन गया झ। झ से झरना, झ से झंडा। नेक्स्ट न्य, एक आधा गोल, थोड़ा सा पूंछ ऊपर की तरफ लेके आना है, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा और एक बड़ी सी खड़ी रेखा, ऊपर एक छत, ये बन गया न्य। न्य। और लास्ट में च, एक बार उसके अंदर लिखना है, छ बोलते बोलते लिखना है, ज उसके बाद, ज के बाद झ, एरो भी दिया, आप लोग देख के करो, गलत मत करना, ज सबसे लास्ट न्य। अभी आप लोग सब ने कलर भी कर सकते हैं, फिंगर से ट्रेस भी कर सकते हैं। अभी हम एक बार क से न्य तक रिवाइज करेंगे लिखना बोर्ड में। चलो आप लोग सब अपनी हिंदी नोटबुक में लिखो। चलो चलो बच्चों, आपके पास हिंदी की नोटबुक नहीं है, आप लोग इसको इंग्लिश की नोटबुक में लिखिए। चले चलो, सबसे पहले कौन से अक्षर है? क, आधा गोल, खड़ी रेखा और एक आधा गोल, ऊपर एक छत, ए है क। उसके बाद ख, आधा गोल, उसे घुमा के नीचे की तरफ लाना है और एक आधा गोल, और उसके बाद एक खड़ी रेखा और ऊपर एक छत, ये बन गया ख। और उसके बाद क्या है? ग। ग कैसे लिखते हैं? एक छोटी सी खड़ी रेखा और उसको अंदर की तरफ घुमाना है और एक खड़ी रेखा, ऊपर एक छत, ये बन गया ग। उसके बाद घ, आधा गोल, उसे जोड़कर और एक आधा गोल, खड़ी रेखा, ऊपर एक छत, ये बन गया घ। एंड लास्ट अंग, एक छोटी सी खड़ी रेखा, आधा गोल, उसे जोड़कर और एक आधा गोल, ऊपर एक छत, इधर एक बिंदु, ये बन गया अंग। ख क ग ग अंग। उसके बाद अभी छ, छ किधर लिखना आपको? क के नीचे, एक लाइन में पांच लेटर लिखना चाहिए। और छ, एक आड़ी रेखा और एक आधा गोल, उसे जोड़कर और एक खड़ी रेखा और ऊपर एक छत, ये बन गया छ। छ के बाद छ, आधा गोल, उसे जोड़कर और एक आधा गोल, ये बन गया, और एक छोटी सी खड़ी रेखा, ऊपर एक छत, ये बन गया छ छ छ। एंड देन उसके बाद ज, आधा गोल और एक छोटी सी आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा और ऊपर एक छत, ये बन गया ज। उसके बाद झ, पहले सबसे पहले क्या लिखना है आपको? लेटर अक्षर ई लिखना है, उसके बाद आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, ऊपर एक
च, ये बन गया झ, ये बन गया झ, और एक न्य, आधा गोल उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, और एक आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, ऊपर एक छत, ये बन गया न्य। अभी और एक बार सब लोग मेरे साथ बोलो, ख ख, ग घ, अंग, ख ख, ग घ, अंग, च छ, ज ज, न्य। अभी टोटल हम कितना व्यंजन पढ़ सीखे? 10। सब लोग अभी एक बार अपने इंग्लिश की नोटबुक में दो लाइंस के बीच में है, ऊपर की चार लाइन और नीचे की चार लाइन के बीच में दो लाइन होती है, उधर भी लिख सकते हैं आप, अदरवाइज ऊपर की थ्री लाइंस में भी लिख सकते हैं। ओके, बाय।